अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जिनके कर्जा माफ नहीं और वो आवेदन ले लेके 23 तारीख को नसलागंज आए, सब कर्जा माफ करो और नहीं तो ऐलान कर दूंगा कोई मंत्री मेरे क्षेत्र में नहीं घुसेगा, जगह जगह काले झंडे दिखाएंगे। ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? 160 रुपया गेहूं के दे दो रे, मैं तो 2100 में मैं खरीदता। सोयाबीन पर किसान के 500 बोनस, मूंग तो भूल ही गए खरीदना, वो नहीं भूल जाएंगे लोग, ये हालत कर दी। मूंग के पैसा दो, बोनस की राशि दो। देखो भैया मेरा माइक खराब मत करो, पकड़ लेना वो डोरी पकड़ कर रखो ऐसे पकड़ कर। और ये किसानों की इन मांगों को लेकर बाकायदा लिखना है आवेदन, गांव गांव जाके बैठ के करना है, इकट्ठे करना और लिखवा और कर देके चलो तुम सब। और दूसरी बात है गरीबों की, जितनी भी एक बेटा बेटियों की फीस भरवाए, क्योंकि संबल में मैंने व्यवस्था की थी कोई गरीब निम्न मध्यम वर्गीय की फीस नहीं लगेगी, मामा भरवाएगा। ये बच्चों की फीस नहीं भरा रही है, बच्चों की फीस भरवाओ, बच्चों को लैपटॉप दो। 25,000 रुपया देता था मैं, बच्चों को स्मार्टफोन दो, बच्चों के स्कॉलरशिप बंद कर दी, स्कॉलरशिप दो। इस अन्याय के खिलाफ भी तो बच्चों को भी लेके आना है, भांजे भांजी चलो लड़ने। और उसके बाद जितनी शादियां हुई है बेटी और दामादों को भी लाना, 51,000 नहीं दिए उनको दिलवाना, खाते में दिलवाना पड़ेगा, और डलवाऊंगा नहीं तो चैन से सोने नहीं दूंगा कमलनाथ को, किसी भी कीमत पे 51,000 डाल ली पड़ेगा।